हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान गोष्ठी प्रदर्शनी और प्रक्षेप भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल सभागार में किया गया। गोष्ठी शुभारंभ मंडलायुक्त और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा कि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं व उन्नतशील किस्म के बीज कम लागत में अधिक उत्पादन करें, इससे किसानों की आय भी दोगुनी होगी। इस दौरान मंडलायुक्त अच्छे किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वही उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आंवला, बोड़ो, नींबू, लौकी, कीटनाशक दवाएं व छिड़काव आदि की मशीनें भी लगाई गईं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और नई तकनीकी मशीनें व उन्नत किस्म के बीजों के बारे में जानकारी ली और खरीदा। इस किसान गोष्ठी और प्रदर्शनी के आयोजन का मेन मकसद ये है कि सभी लोग, कुछ किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी जो किसान इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको भी सरकारी योजनाओं के बारे में और बाकी किसान जो अच्छा कर रहे हैं उनके अनुभव से का लाभ बाकी किसानों को मिल सके। यहाँ गोष्ठी हो रही है और सब्जियाँ महंगी इतनी हो रही हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, उस पे उद्यान विभाग क्यों खामोश है? सिर्फ प्रदर्शनी करने के लिए उद्यान विभाग है? नहीं नहीं ये प्रदर्शनी के एक सार्थक पहल है इस तरफ कि हम लोग जो यहाँ पर अभी सब्जियों और फलों और अनाज का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ किसान तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो दो दो महीने में या तीन तीन महीने में 1.5-2 लाख तक की कमाई कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसान इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शायद उन्हें जानकारी का अभाव हो या इतना जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन तक शायद ठीक से पहुंच नहीं पा रही हैं, इसी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सार्थक पहल की जा रही है। विभाग के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं लेकिन और प्रयास में और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। विकास गोष्ठी में इनको जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी उन्हें सब्सिडी मिलती है जिसका लाभ अधिक से अधिक और या उन्नत जो भी हम लोग उन्नत ढंग से साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में किसानों को अवेयर किया जाएगा।